हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर सर्कल। तो कल क्लास में हमने लास्ट में क्या देखा था, कल की क्लास में कि ये वाला आर्टिकल देखा था कि एक पॉइंट एक्सटर्नल लेट्स से पी विच इज एच कॉमा के, और हमने ये प्रूफ किया था, मैथमेटिकली किया था कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू मैक्सिमम टेंजेंट्स। ठीक है ना, लेट्स से दीज आर द टू टेंजेंट्स। ठीक है, तो कैसे किया था हमने कि हमने मान लिया था लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, जल्दी क्विक रिव्यू कर रहे हैं, ध्यान से देखो, y इक्वल टू mx प्लस माइनस r टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ऑफ कोर्स मैं ये जो सर्कल ले रहा हूं स्टैंडर्ड ले रहा हूं, उसके लिए दिस इज व्हाट m स्लोप का टेंजेंट। फिर हमने क्या किया, h कॉमा k इसमें रख दिया। ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट इससे पास कर रहा है, तो इसके इससे मिलेगा k इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। फिर मुझे अंडर रूट हटाना है, तो मैंने क्या किया, इस टर्म को इधर लेके गया और फिर स्क्वायर किया, तो आएगा के माइनस एम एच का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारा इसको ओपन करो तो के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस टू के एच एम माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो फिर मैंने क्या लिखा इसको, दिस इज लिए क्वाड्रेटिक इन एम, और एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा मेरा, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस टू के एच इंटू एम, और हमारा ये बचा प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन एम, तो इससे ये प्रूफ होता है, इतना करने पे ये प्रूफ होता है कि मैक्सिमम टू वैल्यूज ऑफ एम विल बी देयर, मतलब दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। बट फिर मैंने तुम्हें थोड़ा सा टास्क दिया था कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो एंड रिलेटेड विथ पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, मतलब हमारा जो सर्कल है वो पॉइंट उसके अंदर लाई कर रहा है या उसके बाहर लाई कर रहा है, उसके बेसिस पे इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, देन यू विल रियलाइज, या फिर देन यू विल सी कि हाँ अगर पॉइंट बाहर आ रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में, मतलब बाहर आ रहा है मतलब जो हमारा सर्कल है अकॉर्डिंग टू दिस द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका मतलब पॉइंट बाहर है मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। मैंने कहा व्हेन यू विल सी दिस थिंग, ये पॉजिटिव आएगा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, दैट मींस कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू मैक्सिमम टू टेंजेंट्स, नॉट मैक्सिमम टू टेंजेंट, एक्जैक्टली टू टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। बट इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, अगर ये पॉइंट पी यहां ले जाऊं तो एक ही टेंजेंट आएगा, दिख रहा है डायग्राम से, और एक अंदर आ गया पी तो हम एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, इतना अपन ने किया था, और मैंने बोला था कि इस इक्वेशन को अगर याद रख सकते हो तो याद करो, अदरवाइज देन एंड देयर यू कैन ड्राइव दिस। ठीक है, फिर मैंने एक और नोट बोला था कि अगर कभी भी क्वेश्चन में टेंजेंट्स के स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आए, मतलब जो ड्रॉन टेंजेंट्स हैं उनके स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आती है तो विल यूज दिस इक्वेशन, ये एक नोट लिखवाया था। फिर आपने एक एग्जाम्पल किया था कि फिर मैंने बोला कि फाइन लोकस ऑफ पॉइंट पी ड्रॉन टेंजेंट्स फ्रॉम विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब यहां से 90 डिग्री के ऊपर टेंजेंट खींच रहे हैं, ऐसे पॉइंट का लोकस। तो ये पर्टिकुलर पार्ट हमारा पहले हो चुका है थियरी में, क्या आता था लोकस डायरेक्टर सर्कल, उस टाइम हमने क्या किया था सर्कल की ज्योमेट्री यूज करके निकाला था, याद है कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब उसका जो रेडियस आता था क्या आता था आर कोसेक थीटा बाई टू, वही चीज। अब हमने इक्वेशन से प्रूफ किया, मैंने बोला लेट द पॉइंट जहां से मैं टेंजेंट डाल रहा हूं इस एच कॉमा के जिसका मुझे लोकस निकालना है। क्वेश्चन क्या था हमारा लास्ट क्लास में कि ड्रॉन टेंजेंट फ्रॉम विच आर एट 90 डिग्री, तो क्या होना चाहिए अगर इस लाइन का स्लोप m है, इस m1 है, इसका m2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस स्लोप इज माइनस वन, और m1 m2 क्या है बेसिकली इस इक्वेशन के रूट्स, तो आई कैन से m1 into m2 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू माइनस वन, और m1 m2 इधर से क्या आएगा c by, मतलब k square minus r square upon h square minus r square equals to minus 1, इधर से हमारा वही आ जाएगा h square plus k square equals to 2r square, और h को x से k को y से रिप्लेस करेंगे तो हमारा आएगा x square plus y square equals to 2r square। ठीक है ना, दिस इज नथिंग बट डायरेक्टर सर्कल। क्या इसकी खासियत है, इस पे अगर कोई भी पॉइंट लोगे उससे तुमने अगर इस वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो उन टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ये हमने किया था। ठीक है, अब इसके बाद एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो तो एक बार रिव्यू हो गया हमारा ये, अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं इधर रखे रहने देता हूं बिकॉज इसका यूज होगा अभी। ठीक है, चलो तो मैंने क्या बोला नोट, वो इंपॉर्टेंट नोट याद रखना कि जब भी ड्रॉन टेंजेंट्स के स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी होगी क्वेश्चन में तो यू यूज दिस इक्वेशन। ठीक है ना, बिकॉज इसके रूट्स क्या है, उन टेंजेंट्स के स्लोप ही तो है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला
कि वही क्वेश्चन वही है, लेट फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट पी टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू, प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, देन फाइंड लोकस ऑफ पी, फाइंड लोकस ऑफ पी इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द टेंजेंट, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द अदर, इज ट्वाइस द अदर। एक बार दोबारा मैं पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूं, डोंट वरी, प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही, उसमें जैसे हमने बोला था कि टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उसकी जगह बस इतना आ गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन, अगर पूरा स्टार्टिंग से लिखना है, लेट फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट पी टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस सर्कल, लेट फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट पी टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस सर्कल, तो दिस इज अ सर्कल, दिस इज माय वेरिएबल पॉइंट पी, उसने बोला है कि इससे मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए सच दैट एक का स्लोप अगर 1 है तो दूसरे का 2m है, तो देखा स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है, टेंजेंट्स जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए उनके स्लोप से रिलेटेड, तो यू यूज दिस फैक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे इसके रूट्स क्या क्या हैं, m एंड 2m, क्लियर हुआ, वही लिखा है ना कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू दिस इज सच दैट एक का स्लोप, स्लोप ऑफ वन ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस अदर, इसका मतलब एक का, एक अगर m है तो दूसरा 2m होगा, तो m और 2m इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स है सॉरी। तो बस अब हमें क्या करना है, m को एलिमिनेट करना है, आई वॉन्ट अ रिलेशन इन h एंड k सो दैट आई विल रिप्लेस h विद x एंड k विद y, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, हम इधर यूज कर लेते हैं सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, m प्लस 2m इज इक्वल टू 3m, ये कितना हो जाएगा माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस मतलब ये माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 2kh डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर दैट इज h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा दिस इज माय लेट्स इक्वेशन 1, ये देखना ध्यान से सुनो, फिर मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो m into 2m दैट इज 2m स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू c बाय a, तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज माई इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम दीज टू इक्वेशन यू हैव टू एलिमिनेट m, दैट्स इट। तो क्या करो, ऊपर से m की वैल्यू उठा के नीचे रख दो, ठीक है, तो m एलिमिनेट हो जाएगा, h और k में तुम्हें रिलेशन आ जाएगा, बस क्या करना पड़ेगा फाइनली h को x से और k को y से रिप्लेस करना पड़ेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, एलिमिनेट करना है बस तुम्हें m की वैल्यू उठा के इधर रखना है, या फिर ऐसे बोल लो ऊपर वाली इक्वेशन को स्क्वायर करो और डिवाइड कर दो, तो m स्क्वायर और m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बोला मैंने, इक्वेशन 1 का इक्वेशन 1 जो है ना इसको स्क्वायर किया और डिवाइड किया हमने इक्वेशन 2 से, ऐसा करने पे भी क्या होगा हमारा m खत्म हो जाएगा, वही हमें चाहिए, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, पॉज करो इसको कॉपी करो, तो जब भी ड्रॉ, अच्छा ये मिटा नहीं रहा हूं मैं, इस इक्वेशन का भी दोबारा जरूरत पड़ेगा। चलो क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन है हमारा, हाँ, the locus of a point such that, लिखो पूरा प्रॉपर क्वेश्चन लिखो, the locus of a point, एक पॉइंट का लोकस निकालना है, such that tangents drawn from it to the circle x square plus y square equals to a square r at 120 degree, ठीक है ना, the locus of a point such that tangents drawn from it to the circle this are at 120 degree, ठीक है ना। तो drawn tangents के slope से related information दे रखी है कि उन दोनों tangents के बीच में included angle is 120 degree, let me draw the diagram first, ठीक है, इसको हम दो मेथड से देखेंगे, एक तो हम क्या करेंगे सर्कल की प्रॉप ज्योमेट्री से देखेंगे और एक इस इक्वेशन की मदद से, इस इक्वेशन वाला जो होगा वो मैं कर बताऊंगा बट फाइनली तो हमें पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। ये था हमारा एम स्क्वायर, ठीक है, चलो तो मैंने बोला कि वो पॉइंट का लोकस जहां से ड्रॉन टेंजेंट्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल इज 120 डिग्री, उस पॉइंट का लोकस निकालना है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट पी एच कॉमा के जिसका लोकस निकालना है, अगर इस पॉइंट से मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए तो ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल इज 120 डिग्री, वो सारे पॉइंट्स लोकेट करो, मतलब वो सारे पॉइंट्स किस कर्व पे लाई करेंगे जिन पॉइंट्स से मैंने टेंजेंट्स अगर खींचा तो उन टेंजेंट्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल इज 120 डिग्री,
ठीक है ना। तो हमें पता है कि लोकस क्या आने वाला है, सर्कल आने वाला है, ठीक है ना। कैसे आएगा आप देखते हैं, एक तरीका तो क्या है, देखो ज्योमेट्री से कर रहा हूं मैं, देखना ज्योमेट्री से देखो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, अब मैंने क्या किया, ये पी पॉइंट को, इसको मैं एक मिनट के लिए हटा रहा हूं, पी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया सी से। अब पता है किसी पॉइंट पी से, कोई बाहर पॉइंट पी है, उसको अगर मैंने सेंटर से ज्वाइन किया, तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में ही पढ़ा था कि दिस पी सी विल बी द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। अब टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना है, 120, दैट मींस अगर एंगुलर बाइसेक्टर है तो ये कितना हो गया 60, और ये भी मेरा 60 डिग्री हो गया। लेट्स से मैं इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ए और बी मान लेता हूं। क्लियर है यहां तक? मैंने बोला कि जो लाइन ज्वाइनिंग पी एंड सेंटर विल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, ये हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज में देखा था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, ए और इसको ज्वाइन किया, ए सी को और बी और सी को। अब देखना ध्यान से, ये जो सर्कल गिवन है इसका रेडियस ए है, मतलब ये ए है। अच्छा, जो सर्कल है वो स्टैंडर्ड है, उसका सेंटर क्या है, ओरिजिन 0.0। अब देखो क्या करें, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम लिख सकते हैं ए आ जाए हमारा और ये आ जाए, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिकॉज दिस इज 90, दिस इज 90, ठीक है ना, ये एंगल 90 है। तो इस ट्राइंगल के अंदर मैं साइन 60 लिख रहा हूं, देखो साइन ऑफ 60। अल्टीमेटली मेरा टारगेट क्या है, माई टारगेट इज टू गेट अ रिलेशन इन एच एंड के। बस जब भी लोकस का क्वेश्चन आएगा तो बैक ऑफ माइंड यही चलना चाहिए, किसी भी तरीके से मुझे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी है उसका यूज करके एच और के में एक रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो मैं ज्योमेट्री का यूज करके रिलेशन निकाल रहा हूं, वही मेरा लोकस हो जाएगा। तो साइन 60 इज इक्वल टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज एसी, एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज बीसी, और एसी कितना है मेरा, स्मॉल ए, रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड पीसी इज व्हाट। अब पीसी में क्या लगा सकता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन पी एंड सी, अंडर रूट ऑफ एच माइनस जीरो का स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर, प्लस के माइनस जीरो का स्क्वायर, के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन 60, और साइन 60 कितना होता है, रूट 3/2। बस ये हमारा रिक्वायर्ड आ गया एच और के में रिलेशन। अब क्या करो, एच को एक्स से, के को वाई से रिप्लेस करो, और अंडर रूट अगर हटाना है तो एक बार स्क्वायर करके लिख दो। कैसे लिखोगे, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये टर्म उधर लेके जा रहा हूं, तो ये आएगा 3h स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर होगा 4, और इधर a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर। तो फाइनली h को x से, k को y से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, और उधर से 3 कॉमन लेके मैंने इधर भेज दिया। नाउ यू कैन सी दिस इज ऑल्सो सर्कल, एंड ऑफ कोर्स ये जो सर्कल है इसका रेडियस हमारा गिवन सर्कल से ज्यादा होगा, क्योंकि हमने उधर देखा था, याद है, r cosec थीटा बाय 2, और हमें पता है जो cosec थीटा होता है, व्हाटएवर cosec थीटा बाय 2 और व्हाटएवर cosec, वो जो क्वांटिटी होती है वो 1 से बड़ी होती है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा है। तो जैसे मैंने, याद है, जैसे इस सर्कल का रेडियस क्या लिखा था, इन टर्म्स ऑफ थीटा बाय 2, r cosec थीटा बाय 2, वही तो चीज कर रहे हैं, हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने पूरा एंगल थीटा लिया था, याद करो थीटा लिया था, सो दिस इज थीटा बाय 2, तो वही तो मैंने लिखा था उधर। देखो इस डायग्राम में अगर तुम साइन थीटा लिखोगे ना, क्या लिखोगे इस डायग्राम में, साइन थीटा इज ए अपॉन पीसी, तो पीसी इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा बाय 2 आ रहा है, वही चीज, एग्जैक्टली वही चीज है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो दिस इज माय आंसर लोकस। अब मैंने बोला कि ये तो हो गया बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीका सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मान लो सेम क्वेश्चन तुम्हारा सर्कल की जगह पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तब हम ज्योमेट्री से नहीं कर सकते, बिकॉज उधर तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी होता नहीं है सर पैराबोला वगैरह में, तो फिर हमें जनरल मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं ना, ये तो सर्कल के लिए है, द सेम इक्वेशन वी विल ड्राइव फॉर पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला इन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स। जब हम वो चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम इसी टाइप का कुछ इक्वेशन निकालेंगे, फाइंड करेंगे कि एम 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 में क्वाड्रेटिक उधर भी आने वाला है, ठीक है ना। बट अभी मैं सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, द सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो देयर फॉर पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। कैसे, अब देखो उसने बोला है कि लेट्स से इसका स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, तो उसने क्या इंफॉर्मेशन रखी है कि जो लाइन PC है, PA और PB है, इन दोनों के बीच में इंक्लूडेड एंगल इज 120 डिग्री। तो हम क्या यूज करें, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो मैंने बोला tan ऑफ 60 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री इंक्लूडेड एंगल है, tan 120 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अच्छा, tan 120 नेगेटिव है, ये मॉड लगाया तो मैंने मॉड ले लिया, ठीक है, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल अगर दो लाइन के बीच में 120 है, दैट मींस उनके बीच में 30 भी है, 60 भी है, सॉरी, क्योंकि अगर मान लो मैंने बोला ये 120 है, दिस इज द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस,
दैट मींस दिस इज आल्सो द इंक्लूडेड एंगल. अब तुम चाहे था 10 60 लिखो या फिर मॉड ऑफ 110 120 लिखो, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है ना, अगर दो लाइंस के बीच में इंक्लूडेड एंगल 120 है, दैट मींस उनके बीच में 60 भी है. एक्चुअली दैट इज द ऑब्ट्यूज एंगल एंड 60 इज द एक्यूट एंगल. तो मैंने ऐसे लिख दिया, यहां तक क्लियर है. अब क्या करेंगे हम, अब याद करो क्वाड्रेटिक में, क्योंकि मुझे क्या है कि मुझे M1 M2 नहीं पता है, बट मुझे एटलीस्ट ये पता है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है इस इक्वेशन से. तो व्हाट आई विल डू नाउ, इसको तो मैं रब कर रहा हूं, पहले तुम कॉपी करो इसको, मैं इसको रब करने वाला हूं. पॉज करो, इस वाले मेथड वन को कॉपी करो. ठीक है, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से. मैंने बोला कि अब मैं क्या करूंगा कि जो RHS लिखा हुआ है ना, उसको आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट. तो देखो डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, M1 M2 दिया तो डायरेक्टली मैं इधर से प्रोडक्ट ऑफ रूट उठा के रख दूंगा. ये जो M1 माइनस M2 है, या तो डायरेक्टली तुम्हें याद है रिजल्ट डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, रूट डी बाय ए, या तो वो डायरेक्टली यूज करो अगर आता है तो, याद है तो मतलब आई मीन. और नहीं तो M1 माइनस M2 को याद है, अपन ऐसे लिखते थे क्वाड्रेटिक में. अल्फा माइनस बीटा को क्या लिखते थे, अल्फा मतलब अल्फा की जगह इधर M1 है, M1 प्लस M2 का स्क्वायर माइनस 4M1M2. क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा, M1 माइनस M2 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट, तो ये बेसिकली मॉड ऑफ M1 माइनस M2 ही आएगा. अब ये न्यूमरेटर हमारा सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट में कन्वर्ट हो गया, बस दैट्स इट. अब क्या करो, तुम्हारा काम क्या है, ये लिखा है, ये लो पूरा एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं. M1 M2 इसका मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू ये हो गया √3, बस खत्म. अब तुम क्या करो, इस टर्म को इधर लेके जाओ, स्क्वायर करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट इस इक्वेशन से डालो उसमें, सिंप्लीफाई करो और देखो ये आ रहा है या नहीं, दैट इज योर टास्क. नहीं आता है तो लेट मी नो ऑन द व्हाट्सएप कि सर नहीं है, मैच कर रहा है, बट करेगा. अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो पक्का मैच करेगा. ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन ही करेंगे, पॉज करो पहले, इसको कॉपी करो और इसको कंप्लीट करना जब भी आगे बढ़ना वीडियो में. ठीक है ना, इस मेथड से पहले वेरीफाई करो कि तुम्हारा आंसर ये आ रहा है या नहीं. चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, जो हमारी अभी क्वेश्चन आई थी एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, देखना बहुत इंपॉर्टेंट, नोट के फॉर्म में लिखना इसको, बहुत मस्त चीज बताने वाला हूं. देखना ये हमारी क्वेश्चन थी, एम स्क्वायर माइनस 2HKM प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है ना, अब सुनना ध्यान से, ये मेरी क्या इक्वेशन क्या थी, किस चीज की थी बेसिकली, कि हमने भाई एक सर्कल है हमारे पास और हमारे पास एक पॉइंट है पी बाहर H, K, और मैंने इससे टेंजेंट्स ड्रॉ किए. ठीक है ना, टेंजेंट्स ड्रॉ किए तो उन टेंजेंट्स के जो रूट स्लोप्स के उन जो टेंजेंट्स के स्लोप्स हैं वो बेसिकली इस रूट के इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं M1 M2. अगर ये लाइन का स्लोप M1 है, ये लाइन का स्लोप M2 है, तो M1 M2 आर द रूट्स ऑफ दिस, दिस इज द पॉइंट H, K. और कीपिंग इन माइंड कि ये जो सर्कल है हमारा वो स्टैंडर्ड है, दैट मीन सेंटर इज ओरिजिन, उसके लिए हमने ये ड्राइव किया है. अगेन ये याद रखना कि ये हमने जनरल सर्कल के लिए नहीं किया, स्टैंडर्ड सर्कल के लिए किया है, जनरल के लिए भी करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता दूंगा उसको. तो एक चीज देखो ध्यान से सुनना, अगर मैंने बोला इफ, सुनना ध्यान से, इफ एच इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, अगर मैंने बोला ऐसा अगर हुआ, सुनना ध्यान से, जो एच है, एच मतलब क्या है, पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट, अगर वो लेट्स से सर्कल का रेडियस 5 है और अगर मान लो एच की वैल्यू प्लस माइनस 5 में से कोई भी एक हुई, लेट्स से एच इज इक्वल टू 5 और अगर सर्कल का रेडियस भी 5 है, तब दिक्कत क्या होगी ऊपर वाली क्वेश्चन में, सोचो ध्यान से देखो. When you will see कि when h is equal to plus minus r, this is getting zero, क्योंकि h square r square के बराबर है. तो हमारा जो equation बना वो एक linear में convert हो गया, वो एक linear में convert हो गया. What is the meaning of this? इसका exactly मतलब क्या है मैं बताऊंगा, पहले तुम लोग सोचो, क्योंकि 99% बच्चे गलत ही जवाब देते हैं इसका. ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं कि quadratic का एक root आ रहा है, इसका मतलब रिपीटेड रूट आ रहा है, इसका मतलब कि वो दोनों लाइंस एक ही हो गई, बट ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है. द रीजन इज अगर रिपीटेड रूट आता है तो कभी भी m क्वाड्रेटिक के जो कोफिशिएंट होता है वो जीरो थोड़ी होता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, समझ में आ रहा है. तो m स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि एक रूट इंफिनिटी पे चला गया, क्योंकि अगर कोई एक रूट इंफिनिटी है तो हम ऐसे इक्वेशन तो लिख नहीं पाएंगे ना कि जिसका रूट इंफिनिटी है. इसका मतलब क्या है, इफ दिस इज द केस दैट मींस
दैट मीन्स, अभी देखना इसमें क्वेश्चन कर लूंगा तो और क्लियरिटी आ जाएगी. दैट मीन्स कि वन ऑफ द टेंजेंट, वन ऑफ द टेंजेंट, वन ऑफ द टेंजेंट क्या होना चाहिए? स्लोप, मतलब इसका मतलब क्या है? एक रूट, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो जाता है क्वाड्रेटिक में, हम क्या बोलते हैं? एक रूट इंफिनिटी में चला गया. इसका मतलब इसका एक रूट इंफिनिटी है. और रूट, और इसके रूट क्या है बेसिकली? स्लोप ऑफ द लाइन. अब स्लोप इंफिनिटी पे जा रहा है, इसका मतलब क्या है? वन ऑफ द टेंजेंट इज वर्टिकल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है. दैट मीन्स वन ऑफ द टेंजेंट इज वर्टिकल. ठीक है, अभी क्वेश्चन करूंगा तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, डोंट वरी. बट इसको याद रखना, इसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ये नहीं करना है कि रूट्स आर रिपीटेड. वो चीज अलग होती है. रूट्स रिपीटेड होता है उसका मतलब ये थोड़ी होता है एम्स्कर का कोएफिशिएंट जीरो हो जाए. उसमें तो रूट सेम आते हैं, हमारा उधर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है. ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि दोनों लाइंस मर्ज हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर एच अगर प्लस माइनस आर के बराबर है, दैट डजंट मीन कि दोनों लाइन मर्ज हो गई. नहीं, अलग अलग ही है. इट इज अ सिनेरियो समथिंग लाइक दिस. लेट्स से दिस इज द सर्कल. देखना मैं सिनेरियो बता रहा हूं तुम्हें. लेट्स से दिस इज द सर्कल और मैंने एक पॉइंट इधर लिया, ये वाला. ठीक है, सो देखो, अगर मानने वाला ये वाला पॉइंट P लिया, तो इससे जो टेंजेंट्स आ रहे हैं, दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, एक तो ये और एक ये. लेट्स से दिस इज द पॉइंट P जहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं सर्कल पे. इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यही वाला केस होगा. अभी एग्जांपल पे आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा बाकी. क्योंकि देखो, एक जो टेंजेंट है, दिस इज गेटिंग वर्टिकल एंड दिस इज हैविंग सम फाइनाइट स्लोप. तो इधर हमारा आने वाला है, इस टाइप का सिनेरियो होगा ना. तो जो हमारा m में क्वाड्रेटिक बना है ना, उसमें m स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा. बट दिस डजंट मीन कि ये दोनों लाइन एक ही है. रूट्स आर नॉट रिपीटेड. ठीक है ना, तो इस पे थोड़ा सा मैंने स्ट्रेस दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है. चलो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि ये जो इक्वेशन लिखी थी ना, ये वाली, दिस इज ओनली फॉर द सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल. ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा, एक जनरल सर्कल ले लेता हूं वाया क्वेश्चन के थ्रू, इसको बताता हूं. ठीक है, पॉज करो, इसको कॉपी करो. आज एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग. इसके बाद दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, फिर उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन है, एक मिनट, लेट मी चेक आउट मेरे पास अवेलेबल है या नहीं. एक मिनट, या इट इज देयर. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम, एक अच्छा क्वेश्चन है ये. ठीक है ना, इवन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा ही है. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस टू द सर्कल. दिखने में बहुत छोटा क्वेश्चन लगेगा, बट इससे पहले जो अपन नोट डिस्कस किया उसी के बेसिस पे है. कहां गया क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस टू द सर्कल एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25. करो एक बार, तुम करो, वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से करो. ठीक है ना, चलो अब मैं इसको बता रहा हूं. तो देखो सिनेरियो क्या हो रहा है, एक्सक्यूज मी, ये मेरा सर्कल है जिसका सेंटर इज 7.0, ओके, एंड द रेडियस इज 5 यूनिट. सम पॉइंट इज देयर आउटसाइड द सर्कल व्हिच इज 2.7. उसने बोला कि इस पॉइंट से हमने टेंजेंट्स जो ड्रॉ किए हैं सर्कल पे, उसकी इक्वेशन निकालनी है. सिंपल सी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है दिखने में. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस टू द सर्कल दिस. अब तुम खुद रख के देखो, इसमें ये पॉइंट रखोगे तो आउटसाइड ही आएगा पॉइंट. ठीक है ना, कैसे? जैसे इसमें रखो 2.7, तो x माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 25. दिस इज माई s. ऐसे बोलते हैं s, मतलब सारे टर्म्स को एक साइड लेके आते हैं. अब तुम s निकालो एट 2.7, तो डेफिनेटली दैट विल कम आउट टू पॉजिटिव, क्योंकि बाहर ही होना चाहिए पॉइंट. ऑफ कोर्स अंदर होगा तो हम तो डायरेक्टली बोलते हैं देयर इज नो टेंजेंट, तो और आसान हो जाएगा हमारा क्वेश्चन. बट व्हेन यू विल पुट दिस पॉइंट हियर, यू कैन सी कि दिस विल कम आउट टू बी पॉजिटिव क्वांटिटी. दिख ही रहा है क्लियरली, 7 ऐसे रखूंगा तो 49 माइनस 25 यही पॉजिटिव है, और कुछ स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही होगा. तो मतलब पॉइंट तो आउटसाइड है. इसका मतलब ये पक्की बात है, 100% है कि दो टेंजेंट्स आएंगे और 100% आएंगे. मतलब दो आएंगे और दो ही आएंगे, दो से कम भी नहीं आएंगे, दो से ज्यादा भी नहीं आएंगे. एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. इसको दिमाग में छाप लो. अब निकालते कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला कैसे स्टार्ट करें. देखो ध्यान से, इसके ही वैसे दो तीन तरीके हैं, जैसे मतलब इसको ज्योमेट्री वगैरह से भी ट्राई कर सकते हैं. इफ यू वांट यू कैन जस्ट ट्राई इट विद ज्योमेट्री ऑफ द सर्कल्स. ठीक है ना, बट मैं इक्वेशन की मदद से कर रहा हूं. ठीक है ना, कैसे?
मैंने बोला जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, कौन सी वाली की बात कर रहा हूं मैं, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस टू एच के एम प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, उसको मैंने वो ठीक वो आई वो कैसे थी स्टार्ट कैसे किया था मैंने, मैंने बोला था लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आर टाइम्स अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, फिर मैंने वो पॉइंट एच कॉमा के सेटिस्फाई कराए थे उसमें। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ना स्टार्टिंग जो प्रोसेस था हमारा वो ऐसे किया था कि हमने एम स्लोप की इक्वेशन मानी थी टेंजेंट की, ठीक है ना, तो वही मैं इधर करूंगा। तो मैंने बोला अगर सर्कल ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसके लिए एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर टाइम्स अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, ये इसके लिए होती है। बट मैंने बोला अगर इधर सेंटर अगर अल्फा कॉमा बीटा पे चला जाए तो हम क्या करते हैं, इधर वाई को वाई माइनस बीटा, एक्स को एक्स माइनस अल्फा से रिप्लेस करते हैं, क्लियर है। तो मैंने बोला व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप एम फॉर दिस सर्कल, सिंपल, ठीक है ना। मैंने बोला क्या एज्यूम करूं, लेट इक्वेशन, इंपॉर्टेंट चीज है ये, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप एम फॉर दिस सर्कल, क्या होगा मेरा इस इक्वेशन में क्या रखूं, y की जगह y माइनस बीटा, x की जगह x माइनस अल्फा, तो y की जगह y माइनस सेंट y, तो इधर y माइनस जीरो लिखा है तो y की जगह तो y माइनस जीरो ही आएगा इधर, तो y इज इक्वल टू m टाइम्स x, ये क्या आएगा x माइनस सेवन, x माइनस सेवन प्लस माइनस r, r हियर इज 5 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ये याद रखना, ये बहुत ये अपने आप में मैंने जो लिखा है अभी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन फॉर दिस सर्कल, भूलना नहीं है, नहीं तो जनरली में क्या करते हैं बच्चे वो यही ले लेते हैं, गलत हो जाएगा ये, दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ स्लोप, सॉरी दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m फॉर दिस सर्कल, नहीं ये हमारा इस सर्कल के लिए स्टैंडर्ड के लिए, वेयर सेंटर इज ओरिजिन, बट हियर द सेंटर इज 7, 0, सो यू हैव टू रिप्लेस x विद x माइनस 7 एंड y विद y माइनस 0 इन दिस इक्वेशन, क्लियर है। चलो अब क्या करते थे हम, उसके बाद क्या करते थे, जैसे हमने जो मैंने बोला जो क्वाड्रेटिक निकाली थी m में, उसके बाद क्या किया था हमने, पहले तो इक्वेशन मानी है ये, उसके बाद फिर मैंने बोला कि ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है दिस पासेस थ्रू h कॉमा k, तो h कॉमा k सेटिस्फाई कराते हैं, फिर हम क्या करते हैं ये वाले टर्म इधर ले जाके स्क्वायर करते हैं सो दैट अंडर रूट वगैरह खत्म हो जाए, सेम चीज यहां करेंगे। मैंने बोला ये मैंने इक्वेशन मान ली टेंजेंट की m स्लोप की, अब क्या करें, अब ये पास कर रहा है 2.7 से, मतलब h कॉमा k का रोल मेरा कौन कर रहा है 2.7, तो 2.7 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो m में फाइनली वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। कैसे मिलेगा वो बता करते हैं हम, तो 7.2 इधर रखा, 7 इज इक्वल टू m टाइम्स 2 माइनस 7 माइनस 5 आई थिंक, हां करेक्ट, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम ये वाला टर्म इधर ले जाके फिर स्क्वायर कर देते हैं अंडर रूट हटाने के लिए। मैंने बोला अल्टीमेटली ये है कि भाई अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, अब कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स ये वाला टर्म इधर ले जाके स्क्वायर कर देंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। तो देखो ये आया 7 प्लस 5 m का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर। तो देखो ये किया, अच्छा अब दिखने में ये क्वाड्रेटिक लग रहा है बट ऑब्जर्व करो ध्यान से, हम अभी इसको ओपन करने ओपन करेंगे ना, तो देखो अनलकीली और लकीली वॉट एवर कैसे भी बोल लो, ये m स्क्वायर और m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर 25 m स्क्वायर आएगा, इधर भी 25 m स्क्वायर आएगा, दैट मींस कि इधर m स्क्वायर का कोएफिशिएंट गायब हो रहा है, वही नोट जो भी हमने जैसे इस क्वेश्चन के पहले लिखवाया, इसका मतलब पक्की बात है कि एक टेंजेंट वर्टिकल आने वाला है, ठीक है ना। चलो करते हैं, तो ये हो गया 49 प्लस 25 m स्क्वायर प्लस 75 जा 35, 35 टू जा 70, तो 70 m इज इक्वल टू 25 प्लस 25 m स्क्वायर। तो मैंने बोला ये क्वाड्रेटिक का ये m स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैंसिल हो गया, That means इस quadratic का एक root infinity पे चला गया, root infinity पे चला गया मतलब slope infinity पे चला गया, अब slope infinity होता है इसका मतलब क्या है, tangent is vertical, तो मेरा ये आ गया 7m is equal to 25 minus 49, I think minus 24, yeah minus 24, correct है, तो m का value आया मेरा finally m is equal to minus 24 by 7, ठीक है। तो अब क्या करें, स्लोप आ गया तो इसका मतलब एक का स्लोप एक तो इंफिनिटी है और एक मेरा m इज इक्वल टू माइनस 24 बाय 7 है, दिस इज द सिनेरियो। बट मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो क्या करें हम, अब पॉइंट पता है स्लोप पता है तो वी कैन राइट इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है ना, क्लियर है। नहीं तो कोई बोल सकता है कि सर m की वैल्यू आ गई, सुनना ध्यान से एक चीज और, जैसे सर लेट्स से ये वाली m की वैल्यू आई माइनस 24 बाय 7, हम इसमें रख देते हैं ना,
तो ये टेंजेंट की इक्वेशन ही है, तो इक्वेशन ही तो है, आंसर मिलेगा यस रख सकते हैं, बट उधर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। क्या कि जैसे मान लो, जैसे इधर तो हमारी चलो एम की ए की वैल्यू आई, एक इन्फिनिटी हो गई, एक मिनट के लिए मैं मान रहा हूं, सिंपल सुनना, मैंने बोला एक मिनट के लिए मैंने इसको सॉल्व किया होगा क्वाड्रेटिक, और लेट्स से एम की वैल्यू दो आती, लेट्स से एम इज इक्वल टू वन और एम इज इक्वल टू टू, हाइपोथेटिकल मान रहा हूं मैं, मान लिया मैंने ऐसा होता अगर, आई एम अज्यूमिंग कि लेट्स से दैट इज द सिनेरियो, तो तुम एम इज इक्वल टू वन इसमें रखते, तो प्लस माइनस के करस्पॉन्डिंग दो आती, फिर एम इज इक्वल टू टू इसमें रखते, फिर प्लस माइनस के करस्पॉन्डिंग दो आती, तो टोटल चार इक्वेशन हो जाती है, उसमें से तुम्हें दो एलिमिनेट करनी पड़ती। कोई बोलेगा सर ऐसा हो क्यों रहा है, खुद सोचो ये चीज, ठीक है, यू जस्ट थिंक इट, क्योंकि ब्रेन तुम्हारा भी वर्क करना चाहिए, मतलब सोचने के लिए उतना डेवलप करना है तुम लोगों को। सो मैं बता दूंगा तो उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है ना, तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो कि सर अगर हमारी जो इधर एम की वैल्यू आई, एम की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आई उसको मैंने इसमें रखा तो हमें दो टेंजेंट मिले, फिर एम की दूसरी वैल्यू इसमें रखा तो दो टेंजेंट मिले, तो टोटल चार मिल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअली तो हमें टोटल दो टेंजेंट मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा टास्क है, तुम्हें सोचना है, ठीक है, कि हमें उन दो वैल्यू से चार टेंजेंट क्यों मिल रहा है, दैट यू हैव टू थिंक। नहीं आता है तो आई विल टेल, डेफिनेटली आई विल टेल, डोंट वरी। चलो अब मैं आता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, तो इधर क्या हुआ हमारा, एक का स्लोप इन्फिनिटी आया, एक का माइनस 24/7 आया, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला माइनस 24/7 इसमें रखोगे तो यू विल गेट टू लाइंस, बट उसमें से हमें एक एक्सेप्ट करना है, एक रिजेक्ट करना है, ठीक है ना, वो तुम्हारा टास्क है कौन सी एक्सेप्ट करें कौन सी रिजेक्ट करें, ठीक है, अगर इसमें रखते हो तो बट उससे बेटर क्या होगा, मैंने बोला ठीक है इसमें रखा तो दो आएंगी इस पर्टिकुलर स्लोप के करस्पॉन्डिंग, इधर प्लस माइनस है, बट हम क्या करेंगे जब हमारे पास स्लोप आ गया, पॉइंट पता है, तो वाई टू पुट एम का वैल्यू हियर, हम क्या करेंगे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो एक ही आएगी, हम क्या करेंगे स्लोप आ गया पॉइंट पता है तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म, डन। अच्छा तो इस वाली लाइन की इक्वेशन में क्या लिखूंगा, y final answer is y minus 7 is equal to slope, that is minus 24/7 into x minus I think 2, so this is one of the tangent, this is tangent 1। dusra kaise aayega, ab slope infinity hai to matlab line is vertical, diagram mein nahi lag raha, wo to maine rough diagram banaya, this is actually vertical, acha vertical line hai to uski equation kaisi hoti, x is equal to constant, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x is equal to constant, मतलब क्या है कि इस लाइन पे अगर हमें कोई भी एक पॉइंट मिल गया तो वही हो जाएगा x is equal to that constant, तो 2.7 है इस लाइन पे, and so that this line is vertical, therefore इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x is equal to 2, so this is my tangent 2, so tangent 1 and tangent 2, these are the two lines, मतलब two tangents that can be drawn from 2.7 to this circle, ठीक है, तो this is a complete package, मतलब एक तरीके का बोल सकता हूँ, इस क्वेश्चन में काफी चीजें इन्वॉल्व हो गई, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही वाली चीज है कि एम स्क्वायर गायब हो गया, ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि शिफ्टेड, मतलब स्टैंडर्ड सर्कल के अलावा जो दूसरा सर्कल होता है शिफ्टेड सर्कल बोलेंगे, जिसका सेंटर अल्फा बीटा पे, उसकी टेंजेंट की प्रैक्टिस हो गई हमारी की वो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, सो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो रिविजन के लिए, ये एक क्वेश्चन से तुम्हारे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी प्रीवियस वाली थियरी, ठीक है। अच्छा चलो अभी एक काम करते हैं, इसको हम डायग्राम से और समझते हैं, ठीक है, विल सी इट विद डायग्राम आल्सो, सो दैट और ज्यादा क्लियरिटी आएगी तुम्हारी, तो पॉज करो और इसको कॉपी करो पहले, तो मैं इसको रब कर रहा हूं सब कुछ, ठीक है, तो फाइनली इसको रब करो। अब क्या करें, अब हम ड्रॉ करके देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, सर्कल की पोजीशनिंग क्या है, पॉइंट क्या है, देन यू विल रियलाइज कि हाँ हमारा जो अभी सिनेरियो था वो सही था, मतलब एक टेंजेंट वर्टिकल आएगा, क्यों आएगा अभी हम देखते हैं, देखना ध्यान से, डायग्राम से ही पता चल जाएगा तुम्हें। सर्कल क्या है, सेंटर एट 7.0 एंड रेडियस इज 5, तो लेट्स से दिस इज 7 एंड रेडियस इज 5, तो दिस इज द सिनेरियो समथिंग लाइक दिस, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली दिस, दिस इज द सिनेरियो, ठीक है ना, थोड़ा सा इधर उधर होगा, शेप देख लेना जैसा बन रहा है, ठीक है। अच्छा मैंने बोला सर्कल का रेडियस जो है वो मेरा कितना है 5, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऑफकोर्स 5 यूनिट इधर से कितना हो जाएगा ये 2.0। अब देखो ध्यान से तुम, जहां जो पॉइंट, देखो पॉइंट पे ध्यान करो, 2.7 जो पॉइंट है दैट इज ऑन दिस वर्टिकल लाइन, कौन सी, दिस वर्टिकल लाइन, इस पे तो कहीं पॉइंट है ये 2.7, दिस इज 2.7, नाउ यू कैन सी कि एक टेंजेंट तो यही हो जाएगा, एंड दिस इज द वर्टिकल टेंजेंट जो हमारा इंफिनिटी के करस्पॉन्ड आ रहा था, एंड दूसरा टेंजेंट विल बी दिस थिंग, थोड़ा डार्क बना देता हूं, दिस इज द सेकेंड टेंजेंट, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा थोड़ा,
थोड़ा क्या पूरा होना चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रेस दिया मैंने इस क्वेश्चन पे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा तो मैंने बोला ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं क्या, और क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, ये तुमसे ही पूछता हूँ मैं, और कैसे करेंगे इसको तुम ऑल्टरनेट तरीके से मुझे करके बताना। डायग्राम मैंने बना दिया ये है, ठीक है ना। चलो और हिंट दे, और अच्छे से बना देता हूँ डायग्राम। ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, ये सिनेरियो हो रहा है हमारा। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, फाइंड्स बेसिकली वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन ओनली, क्योंकि एक बार इसका लाइन का स्लोप आ गया, और आना क्या चाहिए हमारा, ऑलरेडी क्या आया था, -24/7 आई थिंक जो आया था वो आना चाहिए। तो तुम्हारा टारगेट क्या है इस डायग्राम के हिसाब से, फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है ना, फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये तुम्हारा टास्क है। तो दिस इज द ऑल्टरनेटिव अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन, ऑफ कोर्स दिस इज इजीियर, उधर मैंने एक क्वेश्चन लिखी, इतना सारा कुछ कुछ करा, ये ज्योमेट्री का यूज करके ये जल्दी आएगा बल्कि, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ सर्कल्स। लिखो फैमिली ऑफ सर्कल्स, आज कोशिश करेंगे उसके थियोरेटिकल पार्ट खत्म करने का, एंड टुमारो वील डू सम प्रैक्टिस, देखते हैं जैसा भी होता है। मैंने ड्यूरेशन देख लिया 35-36 के अराउंड हुआ है, तो अभी टाइम है अपने पास काफी। तो लेट स्टार्ट फैमिली ऑफ सर्कल्स, बहुत ही शानदार टॉपिक है और इजी भी है, जस्ट लाइक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, दिस इज फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो मैं क्या बोलूंगा, फैमिली ऑफ सर्कल क्या है बेसिकली, एक सर्कल की एक फैमिली है जिनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में देखा था। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक बंच ऑफ लाइंस होती है जिनके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। उधर हमने क्या बताया था कि फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, मैंने कहा L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली देयर आर इनफाइनाइट लाइंस, उन इनफाइनाइट लाइंस को मैं कैसे लिखता था, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, ठीक है ना। तो हमारा उधर मैंने क्या बताया था, व्हाट इज द मेन मकसद ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एक मिनट हम सर्कल पे आ रहे हैं, उससे पहले स्ट्रेट लाइन पे क्या होता था, इससे फायदा क्या होता था, सबसे ज्यादा इससे फायदा ये होता था कि हमारी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती थी, क्योंकि हमें L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमने बोला लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, तो हम डायरेक्टली आई कैन अज्यूम दिस, अब लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए आई गेट अलग अलग लाइंस, तो एक्चुअल लाइन पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर लाइन निकालने के लिए वो एक आध इंफॉर्मेशन और दे देगा, लेट से दिस पर जो लाइन निकालना है दैट पासिस थ्रू 1, 3। मैंने बोला फाइंड ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 एंड ऑल्सो पासिस थ्रू 1, 3। तो क्या करेंगे हम, अगर मान लो मैंने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से नहीं करता हूं इस क्वेश्चन को, तो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल फर्स्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म आई कैन राइट द इक्वेशन, बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे। हम डायरेक्टली बोलेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज L1 प्लस लैम्डा L2, और ये हमने प्रूव भी किया था कि ये क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उधर हमने देखा था, अगर याद नहीं तो यू कैन गो टू दैट वीडियो। तो दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या करूंगा, दिस पासिस थ्रू 1, 3, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो इसने क्या कर दिया, हमारा कैलकुलेशन को काफी रिड्यूस कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से फैमिली ऑफ सर्कल्स है, ठीक है ना। उधर तो हमारा केवल एक ही सिनेरियो था, एक ही केस था, इधर हम चार केसेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या करेगा, मेन मकसद क्या है फैमिली ऑफ सर्कल का, कैलकुलेशन को बहुत रिड्यूस कर देगा, अभी मैं समझाऊंगा कैसे, ठीक है। तो केस वन मतलब फर्स्ट सिनेरियो जो है वो देख रहे हैं, क्या लिखो, पहले लिख लो इसको, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S इज इक्वल टू 0 एंड L इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड अभी देख बताऊंगा मैं कैलकुलेशन कितना रिड्यूस कर दिया इसने, बहुत अति लेवल का। इसमें तो चलो ठीक है, उतना फर्क नहीं पड़ता, ऑफकोर्स रिड्यूस तो होता है कैलकुलेशन, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसमें तो जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको समझा देता हूं कि है क्या, तो ये साइड का डायग्राम मिटाता हूं मैं। मैंने बोला कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S एंड L इज इक्वल टू 0, तो एक तो हमें सर्कल गिवन है S इज इक्वल टू 0,
और एक हमें फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ऐसे लिख लो सर्कल मेंशन कर लो बिकॉज इधर दिख नहीं रहा, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एस इज इक्वल टू जीरो एंड लाइन एल इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख लो क्योंकि तो पता होगा कि एस बेसिकली सर्कल को बोल रहा है इधर, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि लेट्स सी दिस इज माय सर्कल एस, ठीक है, और एक लाइन दे दी, एक लाइन दे दी, लेट्स से दिस इज अ लाइन एल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इससे पहले एक चीज कि हमें पता है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो हमें एक यूनिक सर्कल मिलता है फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, वी विल गेट अ यूनिक सर्कल और उसकी इक्वेशन निकालने के हमने ऑलरेडी चार मेथड डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मतलब कहने का मेरा मतलब अभी यह है कि बस इतना याद रखो कि तीन पॉइंट्स हमें यूनिक सर्कल मिलता है, ठीक है, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमें यूनिक सर्कल मिलता है, बट दो पॉइंट से, इफ आई टॉक अबाउट टू पॉइंट्स, मैंने कहा नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स देन माय आंसर विल बी इनफाइनाइट। कैसे? एक सर्कल ये हो गया लेट से, दूसरा सर्कल लेट से ये हो गया, तीसरा सर्कल ये हो गया, एंड सो ऑन, देयर विल बी इनफाइनाइट। सो लाइट वेंट, ओके, विल कंटिन्यू आफ्टर लाइट, ठीक है।